हमने इस हमने हॉल इस में हॉल से में इतने से श्रोता इतने बाहर श्रोता बाहर करने के लिए करने इतने के कवि लिए खर्च इतने किए कवि हैं, खर्च किए हैं, थोड़ी थोड़ी मेहनत मेहनत मुझे मुझे भी भी करनी करनी है। है। लेकिन लेकिन विश्वास विश्वास मानिएगा, मानिएगा, अगले अगले दो दो मिनट मिनट में में यदि यदि मैं मैं उन उन जाने जाने वाले वाले श्रोताओं श्रोताओं को को अफसोस अफसोस पैदा पैदा ना ना कर कर दूं दूं तो तो मेरा मेरा नाम नाम भी भी नीक नीक चौहान चौहान नहीं। नहीं। मैंने मैंने 47 47 का का विभाजन विभाजन नहीं नहीं देखा देखा है। है। बड़े बड़े लोग लोग बताते बताते हैं हैं कि कि 47 47 के के विभाजन विभाजन में में ऐसा ऐसा हुआ हुआ था। था। मैं मैं कोई कोई वीररस वीररस का का कवि कवि नहीं नहीं हूं हूं साहब, साहब, माफ माफ कीजिएगा, कीजिएगा, मैं मैं बगावत बगावत का का कवि कवि हूं। हूं। मैं मैं एक एक भी भी बागी बागी इस इस भीड़ भीड़ में में तैयार तैयार कर कर दूं दूं तो तो मेरा मेरा कहना कहना सार्थक सार्थक है, है, आपका आपका सुनना सुनना सार्थक सार्थक है। है। 47 का47 का विभाजन विभाजन मैंने मैंने देखा देखा नहीं नहीं है। है। सुना सुना है है मैंने मैंने किस किस तरह तरह से से आग आग लगाई लगाई जाती जाती थी थी और और इस इस तरह तरह से से कस्बे कस्बे के के कस्बे कस्बे उजाड़ उजाड़ दिए दिए जाते जाते थे। थे। मैं मैं बहुत बहुत क्रोध क्रोध में में हूं। हूं। मैं मैं 30 30 साल साल से से मंच मंच पर पर हूं, हूं, जगदीश जगदीश सर। सर। लेकिन लेकिन पिछले पिछले एक एक महीने महीने से से जो जो मैंने मैंने देश देश के के हालात हालात देखे देखे हैं, हैं, मुझे मुझे नहीं नहीं लगता लगता कि कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान के के विभाजन विभाजन के के समय समय भी भी ये ये विभीषिकाएं विभीषिकाएं हमने हमने सड़कों सड़कों पर पर देखी देखी होंगी होंगी कि कि अपने अपने ही ही लोग लोग अपने अपने घर घर को को जला जला रहे रहे हैं हैं और और उसे उसे बगावत बगावत की की भाषा भाषा से से लेकर लेकर सरकार सरकार की की खिलाफत खिलाफत तक तक पहुंच पहुंच रहे रहे हैं। हैं। तिरंगे तिरंगे से से मेरी मेरी बात बात समझ समझ जाए, जाए, पहली पहली दो दो लाइन लाइन पर पर मुझे मुझे बताइए बताइए मैं मैं कहाँ कहाँ खड़ा खड़ा हूँ, हूँ, क्या क्या बोल बोल रहा रहा हूँ, हूँ, मुझे मुझे मालूम मालूम है है मुझे मुझे किस किस सीमा सीमा के के अंदर अंदर पढ़ना पढ़ना है। है। लेकिन लेकिन यदि यदि मैं मैं बात बात ना ना कहूँ कहूँ तो तो फिर फिर मेरा मेरा नाम नाम क्या क्या हुआ? हुआ? सौहार्द सौहार्द से से चले चले थे, थे, हिमाकत हिमाकत तक तक आ आ गए। गए। वाह, वाह, मुझे मुझे इशारे इशारे में में बात बात करनी करनी है, है, अब अब आप आप समझ समझ जाए जाए तो तो तालियां तालियां उधार उधार मत मत रखिएगा। रखिएगा। मुझे मुझे सारे सारे वातावरण वातावरण के के ऊपर ऊपर जिल्द जिल्द बांध बांध रही रही है। है। सौहार्द सौहार्द से से चले चले थे, थे, हिमाकत हिमाकत तक तक आ आ गए, गए, तिरंगे तिरंगे लेके लेके तुम तुम बगावत बगावत तक तक आ आ गए। गए। सरकार सरकार से से लड़ो, लड़ो, ये ये हक हक है है तुम्हारा। तुम्हारा। पर पर लग लग रहा रहा है है मुल्क मुल्क की की खिलाफत खिलाफत तक तक आ आ गए। गए। पर पर लग लग रहा रहा है है मुल्क मुल्क की की खिलाफत खिलाफत तक तक आ आ गए। गए। पर पर लग लग रहा रहा है है मुल्क मुल्क की की खिलाफत खिलाफत तक तक आ आ गए। गए। पूरा पूरा भारत भारत सुलग सुलग गया गया है है मजहब मजहब के के अंगारों अंगारों से। से। इशारा इशारा समझे, समझे, मुझे मुझे व्याख्या व्याख्या नहीं नहीं करनी करनी है, है, पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोगों लोगों के के बीच बीच खड़ा खड़ा हूं। हूं। पूरा पूरा भारत भारत सुलग सुलग गया गया है है मजहब मजहब के के अंगारों अंगारों से। से। गली 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 में में आग आग लगी लगी है है कुछ कुछ उन्मादी उन्मादी नारों नारों से। से। गली 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 में में आग आग लगी लगी है है कुछ कुछ उन्मादी उन्मादी नारों नारों से। से। वर्दी वर्दी सारी सारी भीग भीग गई गई है है खुद खुद अपने अपने छींटों छींटों से। से। मुझे मुझे नाम नाम नहीं नहीं लेना, लेना, इशारा इशारा करना, करना, समझ समझ जाए जाए तो तो पूरी पूरी तालियां तालियां मुझ मुझ तक तक पहुंचे, पहुंचे, मैं मैं कहां कहां बोल बोल रहा रहा हूं। हूं। वर्दी वर्दी सारी सारी भीग भीग चुकी चुकी है है अपने अपने खूनी खूनी छींटों छींटों से। से। शांति शांति दूत दूत उत्तर उत्तर देते देते हैं हैं केवल केवल पत्थर पत्थर ईंटों ईंटों से। से। शांति शांति दूत दूत उत्तर उत्तर देते देते हैं हैं केवल केवल पत्थर पत्थर ईंटों ईंटों से। से। शांति शांति दूत दूत उत्तर उत्तर देते देते हैं हैं केवल केवल पत्थर पत्थर ईंटों ईंटों से। से। सौभाग्य सौभाग्य मानिए मानिए आज आज किसी किसी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के के अंदर अंदर खड़े खड़े हैं। हैं। मैं मैं उन उन तीन तीन यूनिवर्सिटियों यूनिवर्सिटियों का का नाम नाम नहीं नहीं ले ले रहा रहा हूं, हूं, इशारे इशारे में में बोल बोल रहा रहा हूं। हूं। ये जो जिन जिन लोगों लोगों को को लिखनी लिखनी थी थी तकदीर तकदीर समूचे समूचे भारत भारत की, की, जिन जिन लोगों लोगों को को लिखनी लिखनी थी थी तकदीर तकदीर समूचे समूचे भारत भारत की, की, उन उन लोगों लोगों ने ने लिखी लिखी है है तहरीरें तहरीरें नई नई शरारत शरारत की। की। ये ये जो जो देशद्रोह देशद्रोह के के अड्डे अड्डे शिक्षा शिक्षा मंदिर मंदिर बने बने हुए, हुए, ऐसा ऐसा लगता लगता आस्तीन आस्तीन में में विषधर विषधर फंदे फंदे तने तने हुए, हुए, 11 रुपये11 रुपये का का खाना खाना भी भी इनको इनको रास रास नहीं नहीं आता। आता। गद्दारों गद्दारों को को लगता लगता है है भारत भारत का का नमक नमक नहीं नहीं भाता। भाता। गद्दारों गद्दारों को को लगता लगता है है भारत भारत का का नमक नमक नहीं नहीं भाता। भाता। फिर एक यूनिवर्सिटी की फीस कम क्यों हो? फिर सारी यूनिवर्सिटी की फीस कम क्यों नहीं हो सकती? एक की क्यों हो? और उसके बावजूद आप वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? ये जो देशद्रोह का अड्डा, ये जो देशद्रोह के अड्डे शिक्षा मंत्री बने हुए, ऐसा लगता आस्तीन के विषधर फंदे सने हुए, 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाता। बहुत हो चुका, बड़े नारे लगे वहां पर, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। मैं जिस मिट्टी पर खड़ा हूं, जिस कॉलेज में खड़ा हूं, उसकी लाज रखना एक लाइन के अंदर। घर घर से अफजल निकलेगा, मैं एक लाइन में उतनी ताली देखना चाहता हूं जितनी अब तक ना बजी हूं। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा, निकम्मा यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से सुभाष चंद्र बोस पैदा नहीं हो जाएंगे? केवल अफजल पैदा होंगे इस देश के अंदर। वाह भैया, ये जो देशद्रोह का अड्डा शिक्षा मंदिर बने हुए, ऐसा लगता आस्तीन का बहुत सह चुके अब न सहेंगे, बहुत सह चुका अब न सहेंगे, इन सारे मक्कारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह। अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूँ, अपनी रक्तिम आंखों से मैं जलता भारत देख रहा हूँ, आस्तीन में काले विषधर निर्दिन पलते फेंक रहा हूँ। गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की? गिनती पूरी, भाषा देखे जरा कविता के लोग, गिनती पूरी कौन करेगा इन पागल शिशुपालों की? कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चाल? कौन शीश बढ़कर काटेगा शकनी वाली चालों की? ऐसे सभी निकम्मों का अब अंत काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया खत्म काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया खत्म काम हो जाने दो, जिन लोगों ने देश जलाया। अजीब देश है ये, पहला मुल्क है 293 के आसपास मुल्क होंगे पूरी दुनिया में, 10-20 देश हम लोगों ने भी देखे हैं। मुझे नहीं लगता जगदीश सर कि पूरे वर्ल्ड में कहीं अपनी सेना से प्रमाण पत्र मांगे गए हो।
प्रमाण दो कि आपने ऐसा किया है, प्रमाण दो कि आपने ऐसा किया है, प्रमाण दो कि कश्मीर में से आतंकवादी मारे, प्रमाण दो कि बालाकोट में तुमने आतंकवादी मारे, क्या क्या है तुमने, मुझे नहीं पता हमने क्या किया है। चार लाइन सुन लीजिए, समझ में आ जाए तो ऐसे लोगों की कनपटी पर आपकी तालियां पहुंचे। मैं जो कह रहा हूं, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। 70 साल का इतिहास देखें और अब जो हुआ है मैं उसको चार लाइन में व्यक्त कर रहा हूं, समझ जाएं तो फिर मैं कुछ बोल रहा हूं। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, चाहे कश्मीर हो चाहे बालाकोट हो, मैं चार लाइन में खत्म कर रहा हूं पूरी कहानी। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अब जरा आपके हाथ उठे, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, लो हमने दुम सीधी कर दी इन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रख दी अखबार बना डाला। मैं एक भी लाइन गलत बोलूं अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं कविता वहीं छोड़ दूंगा। पता ना कि तुम झूठ बोल रहे हो, सच के दरवाजे पर मैं पहली दस्तक दे मारूं तो आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी लौटाइएगा तालियों को। उनकी अकल ठिकाने ला दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने, सबकी ऐसी अपने मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, सहूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी सब सत्कार कहो, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इस महापुरुष के सम्मुख में खड़खड़े कविता पढ़ रहा हूं जी, उसका यदि कोई सपना अधूरा रह गया हो तो आप उस पर मोहर लगाइएगा। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा, सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। प्रदीप सर, पिछली वर्ष से अब तक के लेकर के एक छोटी सी खुशी मेरे हिस्से की जो मैं अपने परिवार में बांट लेता हूँ जी भैया। भाई साहब के आशीर्वाद और सहयोग से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में इस समय में हिंदी सलाहकार के पद पर डेप्यूटी हूं। तो मेरे मिनिस्टर ने कहा, यार ये कविताएं यहाँ पढ़ते हो बड़ा आसान है, कभी वहां गए हो जब -40 में हमारे बेटे खड़े हैं संगीने लेकर के। मैंने कहा सर लद्दाख में कभी नहीं गया, लेह नहीं गया मैं कभी भी, श्रीनगर गया हूं मैं कई बार। तो उसने कहा एक बार वहां जाओ। सर मैं वहां चला तो गया, लेकिन जब मैं लेह से वापस दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो सर एक वीडियो वायरल हो गया मेरे मोबाइल के ऊपर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है, मुझे बताते हुए शर्माएगी, आपको सुनकर शर्माएगी, हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं। हमारे कुछ सैनिक बैरकों में वापस लौट रहे हैं, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं। सीन समझिएगा आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे सैनिक लौट रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कंधों पर राइफलें टंगी हैं, और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं, ठोकरें मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं उनके पीछे। आप में से कितने लोगों ने सीन देखा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। शुक्रिया। मैं यही आपको बताना चाहता हूं हमारी सेना इन निकम्मों की किन हालातों में रक्षा कर रही थी और ये उसके बदले में उसे दे क्या रहे थे। मैं क्रोध में भरा हुआ था तो मैं उस दिन कुछ नहीं लिख पाया। मैंने बड़े भाई हरिओम पवार जी को फोन किया, सर ये क्या हो रहा है, दिल्ली से पूछा है क्या हो रहा है। कहा ये तो सैनिकों के धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा नहीं सर ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, 70 सालों में राजनीति ने जो कायरता के बीच कश्मीर में बो दिए हैं हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में छेलने पड़ गए, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये। वाह 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 वाह। पवार जी ने दो लाइन मुझे व्हाट्सएप करी जी, मैं रात भर सोया नहीं, उस लाइन को बार बार पढ़ता रहा। हमारी सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे, सेना खामोश थी, दिल्ली बोल नहीं रही थी। आपको लगे बात तो हम कहना चाहते थे जो पवार जी ने कही है जी। तो दो लाइन जरा उनके सम्मान में उठे, मैं उनकी लाइन कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, समझ रहा गुस्सा कहां तक पहुंचा, किसका खून नहीं खोलेगा
पढ़ सुनकर अखबारों में शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। तो विनीत चौहान शुरू हुआ कि पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। अगली लाइन में मुझे पता लग जाएगा कितने लोग मुल्क के साथ खड़े इस समय। बहुत पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन रोज रोज की घटनाओं का निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। वाह भैया, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। मैं दिल्ली में खड़ा हूं, आपकी ताली वहां पहुंचे जा, मैं पहुंचाना चाहता हूं। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो। अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो। जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मैं बोल तो रहा हूँ, कितने लोग समझेंगे मुझे मालूम नहीं है। इतना खून नहीं छिड़को, मैं सेना के समर्थन में खड़ा हूँ, मिट्टी के समर्थन में खड़ा हूँ जी। मैं किसी पार्टी का पूछ के बंधा हुआ पीपा नहीं हूँ। ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे। यदि कभी भी पार्टी के पीपे हो गए तो फिर कौन बोलेगा निष्पक्षता की भाषा। ये राज मुकुट तो इस सर से इस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो माँ पर शीश चढ़ाएंगे। वाह, लेकिन इतिहास उन्हीं का है वाह जो माँ पर शीश चढ़ाएंगे। वाह, इतना खून नहीं छिड़को। मैंने कहा मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, इतना खून नहीं, जिनके समझ में आए तो वो ताली बजाए, वरना पड़ोसी से पूछे मैंने बोला क्या है। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। इनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। वाह, जिंदा